हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, प्रसन्न चित्त होंगे और बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। तो एक नए ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, आप सब लोगों से एक बार शेयर करना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ के इतने सालों में मैंने एक चीज़ देखी है कि हमको डेली मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम डेली मोटिवेट नहीं रहेंगे ना, तो हम अपनी लाइफ को गलत तरीके से जीने लगते हैं। तो डेली मोटिवेशन के लिए मेरी वीडियोज़ को डेली देखिए, मैं डेली आप लोगों को मोटिवेट करने का काम करूँगी। और मैं ये पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग वेट लॉस जर्नी में मोटिवेट रहें अच्छे से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम मोटिवेट नहीं होते तो हम अपनी वेट लॉस जर्नी को ना कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो सुबह की मैंने अपनी शुरुआत की थी इस वेट लॉस चूर्ण के साथ। और ये वेट लॉस चूर्ण मैं आपको पहले भी कई वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ। इसको मैंने बनाया है सौंफ और कड़ी पत्ता को सुखाकर पीस कर उसका एक चूर्ण बनाया है। और इसको मैं ना सुबह फ़िलहाल कुछ दिन से ले रही हूँ, खाली पेट आधा चम्मच एक ग्लास गुनगुने पानी के साथ। हमको सुबह की जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो बदल कर लेनी चाहिए। तो मैं कभी कुछ कितने दिन कुछ लेती हूँ और फिर 15-20 दिन कुछ और लेती हूँ। तो अभी मेरा यही चल रहा है। और उसके बाद ना मैंने की है एक्सरसाइज शुरू अपनी, क्योंकि वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी बॉडी को ना टोनिंग देती है। जब हम 32 बार फॉर्मूला के साथ अपना वेट लॉस करते हैं ना, तो बिना एक्सरसाइज के भी वेट लॉस हो जाता है हमारा, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा कम की है 32 बार वाले फॉर्मूले में। लेकिन जब हमारा अंदर से फैट कम होने लगता है ना, मास कम होने लगता है, तो जो हमारी बॉडी की खाल है वो लटकने लगती है। तो उस खाल को लटकने से बचाने के लिए हमको एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, जिससे हमारी बॉडी टोनिंग रहे, उसमें कसावट रहे। तो जब सफाई वगैरह करके मैं फ्री हो गई थी ना, तो मैंने सबसे पहले अपने लेग्स की एक्सरसाइज की थी, जिससे कि लेग थोड़े से ना रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि सुबह के काम करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है। और जब मुझे सुबह समय नहीं मिल पाता ना एक्सरसाइज करने का, तो मैं शाम को भी कर लेती हूँ। बट आज मैंने सुबह ही कर ली थी, क्योंकि मुझे सुबह थोड़ा सा समय मिल गया था, क्योंकि आज है संडे, तो आज स्कूल वगैरह नहीं जाना था हनु को। और उसके बाद ना थोड़ी देर लेग्स की जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, इससे लेग पे तो इफ़ेक्ट आता ही है, हमारे हाथ पे, पेट पे, कमर की चर्बी पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है और बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। और हमको ना एक्सरसाइज करने में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज काफ़ी करनी चाहिए, और स्टार्टिंग हमको ना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के साथ ही करनी चाहिए। और अब जो मैं ये बटरफ्लाई वाला आसन कर रही हूँ ना, ये बटरफ्लाई वाला आसन सारी लेडीज़ लोगों को ज़रूर करना चाहिए। ये हमारे रिप्रोडक्शन एरिया को काफ़ी हद तक ठीक करता है। जिन लेडीज़ लोगों को PCOD की दिक्कत है, ये उसको भी ठीक करता है। और ये हमारे थाई फैट, हिप फैट, पेट के आसपास की चर्बी, मॉमी बैली जो होती है, मतलब डिलीवरी के बाद जो पेट लटक जाता है, उसको भी कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो मैं लेडीज़ लोगों से ही रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मेरी वीडियोस को देख रही हैं, कि प्लीज़ डेली में कभी भी आप दिन के किसी भी वक्त ये बटरफ्लाई वाला आसन ज़रूर कर लिया करो। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा ये जो सूट है ना, ये कितना ज़्यादा ढीला हो गया है। मैंने अपने काफ़ी सारे सूट में ना फिटिंग लगा ली है, लेकिन इसमें नहीं लगाई थी, क्योंकि गर्मी में ना लूज़ कपड़ों में बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। तो कुछ कुर्ते मैंने लूज़ ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गर्मी में हल्के कपड़ों में, लूज़ कपड़ों में। और मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि अगर हम लोग ना इतना वेट लॉस करते हैं और फिर जब हम अपनी पुरानी चीज़ों को पहनते हैं, जैसे इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मेरी 14 साल पुरानी जो शादी के टाइम पे मैंने चूड़ियाँ खरीदी थी, वो मेरे हाथों में आने लगी हैं। और इन सब चीज़ों से ही ना हम लोग मोटिवेट होते हैं। तो हमको डेली मोटिवेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इस तरीके से जब हम अपने पुराने कपड़े निकालते हैं, जो हमें पहले बहुत टाइट आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, और वो अच्छे से आने लगते हैं, फिर लूज़ आने लगते हैं, तो हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और ये हमको को आगे बढ़ने के लिए ना प्रेरणा देता है हमारी वेट लॉस जर्नी में। तो मैं अब तक दोस्तों अपना 18 किलो वेट कम कर चुकी हूँ पिछले एक साल में, सब कुछ खा पी के। मतलब एक साल में क्या कहूँ, 6 से 8 महीने में ही कम हो गया था। लेकिन उसके बाद मैंने 32 बार फॉर्मूला स्टॉप कर दिया था, सब कुछ खाने लगी थी, मीठा खाना भी शुरू कर दिया था, शादी भी आ गए थे, फंक्शंस चल रहे थे, उसके बाद त्यौहार वगैरह आ गए थे, तो मैंने सब कुछ स्टॉप कर दिया था। तो फिर मेरा वेट ना 1-2 किलो बढ़ गया था और फिर स्टक भी हो गया था। तो मैंने फिर से वेट लॉस करना शुरू किया है, क्योंकि मेरे घर में 2 महीने बाद ना शादी है, मुझे थोड़ा सा और वेट कम करना है अपने आप को और ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए। तो मैं ये जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, इस एक्सरसाइज को कहते हैं वॉक एट होम।
जैसा कि मैंने आप सब लोगों से वादा किया था कि मैं आप सब लोगों को अपनी हर वीडियो में कुछ अलग टाइप की एक्सरसाइजेस दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बदल बदल के एक्सरसाइज करने में अच्छा लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी लगती है वो है ये वाली एक्सरसाइज, इसको कहते हैं वॉक एट होम। ये आपको यूट्यूब पर वॉक एट होम के नाम से एक चैनल मिल जाएगा, उस पर बहुत सारी पड़ी हुई हैं। लेस्ली जी हैं जो ये एक्सरसाइज को सिखाती हैं, और मुझे ये एक्सरसाइज पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें ना पूरी की पूरी बॉडी का मूवमेंट हो जाता है, हमारे हाथ पैर थाइस कमर सब कुछ अच्छे से चलती हैं। एक परफेक्ट कॉम्बो है ये वॉक और एक्सरसाइज का, जिसको कहते हैं वॉक एट होम। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, जैसे कि मेरी तरह आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हो, आपके पास समय ही नहीं है, या फिर आप जॉब करते हो तो भी हमारे पास समय नहीं होता ना वॉक करने का, तो इसको आप कभी भी ना दिन में आधा घंटा पौन घंटा एक घंटे सब हर तरीके की एक्सरसाइज हैं, 15 मिनट की भी हैं, जैसे जैसे आपको ना समय मिले आप वैसे कर लो। या तो मेरी वीडियोज़ को देख कर इन एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर लेना, या फिर यूट्यूब पर चैनल लगा के देख के उससे कर लेना। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन सारी एक्सरसाइज को करने में, इतना ज़्यादा पसीना आ जाता है, और पसीना निकलने की वजह से बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और एक आत्म संतुष्टि मिलती है कि हाँ हमने एक्सरसाइज कर ली, इतनी कैलोरी बर्न कर ली कि पसीना अच्छे से निकल चुका है। और आधे घंटे की एक्सरसाइज मुझे लगता है कि सफिशिएंट होती है। आप आधे घंटे दिन में वॉक कर लीजिए और आधे घंटे कुछ भी एक्सरसाइज कर लीजिए बस। और अगर आप घर के काम सारे अपने हाथों से करते हो जैसे कि मैं करती हूँ, तो भाई उसमें भी बहुत सारी एक्सरसाइज हो जाती है, तो सफिशिएंट होती है वो। और बाकी 32 बार फॉर्मूले के साथ आप अपनी लाइफ स्टाइल को और खाने पीने की हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। हमारे खाने पीने की आदतों का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वेट लॉस कर रहे हो तो जंक फूड खाना बंद कर दो, बाहर के बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह खाना बंद कर दो, कुछ दिन के लिए चीनी को यानी कि शुगर को लेना भी बंद कर दो। उसकी जगह पर अल्टरनेटिव्स होते हैं जैसे कि गुड़ खाओ, खजूर खाओ। मैं आपको अभी खजूर दिखाती हूँ मैं कौन से वाले खाती हूँ आगे, तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक, मैं आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें दिखाऊँगी वीडियो में। आप मेरी जो भी वीडियो देखते हो प्लीज़ लास्ट तक देखा करो, और वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हो तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं और सही वीडियोस को देख रहे हैं। आपके किसी दोस्त रिश्तेदार को वेट लॉस करने की ज़रूरत हो तो उन तक इस चैनल को शेयर भी कर देना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियोस बहुत अच्छे से पसंद आ रही होंगी, और मेरी वीडियोस को देख के मेरे वेट लॉस को देख कर आप लोगों को भी मोटिवेशन मिल रहा होगा। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने स्वीकार भारद्वाज सर के चैनल पर मेरी वीडियो को देख रखा हो, क्योंकि उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था 1 साल पहले जब मैंने अपना वेट लॉस किया था, तो मेरा वीडियो आज भी उनके चैनल पे पड़ा हुआ है उस वक्त का, तो वो भी आप सब लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। और बाकी मेरा ब्लॉग चैनल तो है ही, इससे आपको पूरा पूरा मोटिवेशन मिलेगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस कॉम्बो वॉक एट होम को करके, अंदर से आत्मा प्रसन्न हो जाती है इस वाली एक्सरसाइज को करके। इसमें डांस भी हो जाता है, एरोबिक्स भी हो जाती है, कार्डियो भी हो जाता है, वॉक भी हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये वाली एक्सरसाइज भी पसंद आ रही होंगी, और अगर आप कार्डियो और भी एक्सरसाइज देखना चाहते हो तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियोज़ को जाकर भी देख सकते हो। ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, इससे हमारे हिप के फैट पर, थाइस के फैट पर और हैंड के फैट पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जिन लोगों का शोल्डर के आसपास वाला फैट बढ़ जाता है ना, उसको कम करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये, और जिन लोगों का चेस्ट साइज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है उसको कम करने में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और ये जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, इससे कमर पे बहुत ही अच्छा सा कर्व आता है। मैंने शायद पिछली वाली वीडियो में, साड़ी वाली वीडियो में आपको अपनी कमर का कर्व दिखाया था, फिर किसी वीडियो में जब मैं साड़ी पहनूंगी तब आपको फिर से दिखाऊंगी। ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं ना जिनमें हमारी कमर मूव होती है, सॉरी थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है हमारे यहाँ पर, बारिश वाला मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है तो थोड़ा फिर से ना गले में ऐसे ठंडक सी आ गई है, पता नहीं क्या इन्फेक्शन सा चल रहा है कि बार बार ना सर्दी इस बार जा ही नहीं रही है, ठीक होती है और फिर से हो जाती है। तो आई होप ये सारी की सारी वीडियोस आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको नई एक्सरसाइजेस दिखाऊंगी। उसके बाद बारी आ गई थी सुबह के ब्रेकफास्ट की, और आज से मैंने डिसाइड किया है कि सुबह के ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ही खाया करूंगी। जो मैं सुबह ब्रेकफास्ट में पोहा उपमा या फिर और भी चीज़ें खाती थी उनको अब मैंने ना स्टॉप कर दिया है, और आज से जो मैंने ये नया अपना प्रण लिया है, नया रिजोल्यूशन सेट किया है कि मैं फ्रूट्स खाऊंगी। उम्मीद करती हूँ इसमें लंबे समय तक बनी रहूँ। बाकी आप लोग भी मुझे प्लीज़ मैसेज करके मोटिवेट करना, क्योंकि मुझे अपना जल्दी से ना 5 kg और लूज़ करना है, फिर मेरा वेट बिल्कुल आइडियल हो जाएगा मेरी हाइट के हिसाब से। मेरी हाइट है 5'4" और मेरा वेट 60 kg होना चाहिए, अभी 65 है और मुझे 5 kg और अपना वेट कम करना है। तो मुझे भी मैसेज करके आप लोग प्लीज़ मोटिवेशन देना ताकि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू नहीं रख सकूँ। तो आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था खरबूजा, जो बहुत ही ज़्यादा मीठा था।
और मुझे फ्रूट से प्यार हो चुका है जब से मैंने 32 बार जर्नी को शुरू किया है। और उधर ना मैं दूसरी तरफ हस्बैंड के लिए चाय नाश्ता बना रही थी क्योंकि उनको तो वही खाना है ना, बाकी मैं तो अपना वेट लॉस कर रही हूँ, तो मैंने आज से फ्रूट्स खाना शुरू कर दिया है। और ये जो खरबूजे के बीज है ना, इनको धोकर रख देती हूँ, इनकी मिंगी को बाद में निकाल के ड्राई फ्रूट्स की तरह से यूज़ हो जाती हैं। और ये जो खरबूजे के छिलके होते हैं, इनको मैं अलग से निकाल कर ना, इन सबको मैं कूड़े में नहीं फेंकती, इसकी मैंने एक अलग से ना मतलब किसी प्लेट में या फिर ट्रे में रख के फिर मैं नीचे जाके ना गाय को खिला आती हूँ। हमारे घर के पास ही गौशाला है, मैं उसमें जाके खिला के आती हूँ गाय को अपने हाथ से, जिससे कि उनको भी ना भोजन मिल जाता है। और डस्टबिन में या फिर कूड़े में फेंकने से क्या होता है कि ये सब गाय को नहीं मिल पाता। तो सुबह के नाश्ते की शुरुआत, आपने मेरी मॉर्निंग ड्रिंक देखी मैंने क्या ली थी, और आज जिसे मैंने डिसाइड किया है कि सुबह के नाश्ते में फ्रूट्स या फिर स्प्राउट्स ही खाऊंगी। और क्योंकि ना मुझे चाय पीने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग है और मुझे नींद आती है, तो सुबह उठ के वेट लॉस ड्रिंक के आधे पौन घंटे बाद मैं एक कप चाय से एक टोस्ट ले लेती हूँ, जैसे मैंने आज भी ले लिया था। और अब उसके बाद ना मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ फ्रूट्स के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने काट लिया है खरबूजा, जैसे तरबूजा होता है वैसे ही खरबूजा भी होता है, तो ये है मेरा खरबूजा। और इसके साथ ही मैं आज अपने ब्रेकफास्ट की शुरुआत कर रही हूँ। वैसे मैंने एक टोस्ट खा लिया जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि चाय की क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, बिना चाय के ना नींद आती है पूरे दिन। तो और आज से कोशिश करूँगी एक बार ही चाय पीऊँ बस सुबह के टाइम। और आज से मैं ग्रीन टी लेना वापस शुरू कर रही हूँ, दिन में 2 बार लूँगी 2 कप, ठीक है। इसके ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद लूँगी, मतलब फ्रूट्स खाने के, और फिर आफ्टर लंच, ठीक है, 1 कप। तो दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है, जैसे भी है। तो पूरा ब्लॉग देखना, कंटिन्यू बने रहना, और वेट लॉस जर्नी कर रहे हो, वेट लॉस करना चाहते हो तो वीडियोस को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सब तक पहुँच सकें। और देखो, मैं आप सब लोगों को ना एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, मेरा जो ये कुर्ता है ना, मैंने ये बहुत दिनों बाद निकाला, मैंने इसमें फिटिंग नहीं की है क्योंकि काफ़ी दिन बाद पहना है, तो मेरा जो साइज़ था ना वो काफ़ी छोटा हो गया है पहले से। पहले मेरे एक्सेल आता था, अब मेरे एम साइज़ भी आने लगा है। तो ये कुर्ता देखो कितना ज़्यादा ना लूज़ हो गया है मेरे। इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है इस चीज़ को देखकर ना, कि मतलब इतना वेट लॉस कर लिया है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और आप सब लोग भी इस खुशी को महसूस कर पाए, मैं यही दिल से कामना करती हूँ। आप सब लोगों का भी जल्दी से जल्दी वेट लॉस हो, बस 32 बार के फॉर्मूले को ना कंटिन्यू करते रहना। कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी और मैं बताऊंगी कि वो प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे सारे के सारे सूट ना पुराने वाले लूज़ हो गए हैं, बहुत अच्छा लगता है। कुछ की मैंने फ़िटिंग कर ली है, लेकिन कुछ की मैंने अभी तक फ़िटिंग नहीं की क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, तो लूज़ अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो मिलती हूँ आपसे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर कर देना। ब्रेकफास्ट करने के ना थोड़ी देर बाद मैंने खा लिए थे 2 खजूर, क्योंकि आजकल ना शायद इतना वेट लॉस हो गया है ना, 18 किलो मैंने वेट लॉस कर लिया है, तो थोड़ा सा ना कभी कभी ना चक्कर से आने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी वीकनेस है, फिर घर पे सबसे डांट भी पड़ती है। तो मैंने खजूर खाना शुरू किया है, मे बी हो सकता है कि मेरी बॉडी में आयरन कम हो गया हो। तो खजूर जो है ये, यानी कि खजूर को इंग्लिश में कहते हैं डेट्स, तो ये जो होता है ये आयरन की कमी को भी ठीक करता है और ये हमें ताकत देता है। और मैं जो खजूर खा रही हूँ ना, ये वाले खजूर शुगर फ्री खजूर हैं, बिल्कुल डायरेक्ट डाल पे से निकले हुए खजूर हैं। और इन खजूर को ना मैं 32 बार चबा चबा के खाती हूँ, बिल्कुल भी ना मतलब इनमें बहुत ही ज़्यादा लाइट मीठापन है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ना इनको खाकर। तो मुझे मीठे की जब क्रेविंग होती है मैं तब भी इनको खा लेती हूँ। और मैं आपको देखो दिखा रही हूँ, इस कंपनी का नाम है अल्फरेज़, और ये ना कागज़ के डिब्बे में यानी कि पट्टे के डिब्बे में आए हैं। और देखो ये खजूर ना बिल्कुल डायरेक्ट डाल पे से टूटे हुए हैं, जैसे और डिब्बे में खजूर आते हैं ना, ये वैसे नहीं है, ये बिल्कुल डाल पे से टूटे हुए बिल्कुल प्योर खजूर हैं। और इनमें मीठापन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब नाम का मीठा है, फीका नहीं है, लेकिन वो नहीं है जैसे कि आप मार्केट से खजूर खरीदोगे, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का खरीद लेना, उनमें थोड़ा बहुत शुगर ना होता ही है। ये वाले सबसे ज़्यादा प्योर खजूर है, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसका एक डिब्बा खा के ख़त्म कर चुके हैं हम सब लोग और ये दूसरा चल रहा है, तो मैंने सोचा आप सब लोगों को ना शेयर कर दूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये मार्केट में हर जगह पर अवेलेबल है, इसका नाम है अल्फरेज़, और ये 1/2 किलो के डिब्बे में है, 500 ग्राम के में। तो वेट लॉस कर रहे हो तो भाई खजूर ज़रूर खा लेना, वीकनेस नहीं आएगी बॉडी में, और अगर आयरन वगैरह की कमी है ना तो वो भी ठीक हो जाएगी बिल्कुल।
मैं ये बिल्कुल पर्सनली रिकमेंडेड करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को। और हनु के स्कूल में ना कल सबमिट होना है ये फ्लावर पॉट, जो कि समोसे वाले दोने आते हैं ना मार्केट में, जिनमें समोसे रख के हम खाते हैं, ये उससे बनाना था कटिंग करके, और ये हनु ने खुद ही बनाया है, यानी मेरे बेटे ने, हृदयांश ने, उसका स्कूल का नाम हृदयांश है, इसको कटिंग की, चिपकाया, उसके बाद जो फैब्रिक कलर आते हैं ना उससे कलर करके चिपकाया, फिर एक फ्लावर रख के स्कूल में सबमिट करने के लिए रेडी है कल ये। और बहुत ही अच्छा लगा था मेरे को, उसने पहली बार सब कुछ अपने हाथ से किया है। आपको भी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये है इसका कंप्लीट लुक। बीच में से इसको चिपकाने के लिए हमने कागज़ वाले टेप का यूज़ किया था। ये आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, और हनु के लिए एक लाइक तो बन